सीबीएसई आठवीं कक्षा एनसीईआरटी वसंत पाठ्य पुस्तक के पांचवां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वीडियो दो में आपको स्वागत करती हूँ। नाउ वी कैन समराइज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इनटू फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर दे। फर्स्ट पॉइंट, पत्रों की उपयोगिता। सेकेंड पॉइंट, पत्रों के विभिन्न नाम। थर्ड पॉइंट, दुनिया भर में पत्रों का महत्व। फोर्थ पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू का मत। एंड फिफ्थ पॉइंट, वस पत्र संस्कृति के विकास हेतु कार्य। नाउ इन पेज नंबर 25 वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। जहां एक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों में इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थे, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ? जहां तक, आई एम रीडिंग इट वन मोर टाइम, जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से, अंडरलाइन बारीकी, एविडेंशियरी, EVIDENTIARY, एविडेंशियरी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का इंतजार ना किया हो। What does that line means? It says that if we go with the evidentiary facts, there is no one who have not even written a letter before, or no one who have ever received or patiently waited for an inland letter. Inland letter means a letter. देखिए, next paragraph, next line says that हमारे सैनिक, हमारे soldiers, तो पत्रों का जिस उत्सुकता से, उत्सुकता माने ईगरनेस से इंतजार करते हैं, वेटिंग करते हैं, हमारे सोल्जर्स लेटर्स को वेट करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल माने एग्जाम्पल। देखिए सोल्जर्स की बात, देखिए वी ईगरली, दे ईगरली वेट फॉर देयर बिलॉव्ड वंस लेटर बिकॉज दे आर फार फ्रॉम देयर होम टाउन। They are doing their duty for their motherland, isn't it? It is only because of them. It is only because of them we have a sound sleep, isn't it? So there is no other example we can remember at this contest, because they wait for a long time for their beloved one's letters. Uski koi misal hi nahi. देखिए नेक्स्ट लाइन, एक दौर था, देयर वाज अ टाइम, जब लोग पत्रों का महीनों में इंतजार करते थे। पीपल वेटेड फॉर लेटर्स, फॉर मंथ्स दे आर वेटेड, पर अब वह बात नहीं। बट नाउ इट इज नॉट देयर बिकॉज परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। बिकॉज व्हाट हैपेंड, परिवहन साधनों के विकास, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, दे हैव रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन पीपल। दूरी माने डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पीपल। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता वर्णनुली, इकलौता माने वर्णनुली साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। बट बिफोर लेटर वॉज द ओनली मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पीपल। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की, पुरखों माने एंसेस्टर्स की चिट्ठियों को सहेज और समझोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब रिसर्च का विषय है।
Now also people are safely, they are preserving their ancestors' letters. These letters, they keep it with them as a legacy. Mane virasat. Virasat mane uttaradhikar me miladhan. Legacy. And famous writers, isme likha hai, bade bade lekhak, patrakarum, udyami, kavi, prashasak, sanyasi, kisan. That means very famous writers, columnists, businessmen, poet, farmers, all these people. All their works of letters are a subject for anusandhan, mane research. So what is research? Research is a detailed and careful study of something to find out more information about it. Like if it is in the field of medical field, what now example is corona. That is a current recent issue we have, isn't it? So Russia, they have studied on this and they did research and then found a vaccine for it. So like that, research on a particular field. Here, research on these letters. Okay? Agar aaj jaise sanchar sadhan hote, to Pandit Nehru apni putri Indira Gandhi ke phone karte, par tab pida ke patr putri ke naam, underline that, pida ke patr putri ke naam, nahi likhe jate, jo desh ke karodom logon ko prerana dete hai, prerana, motivation dete hai. If these modern applications have invented those time, Pandit Nehru will not write a letter to his daughter Indira. He used to call her on phone, isn't it? Then definitely we would not be reading that great book. What is the name of the book? Pida ke patra, putri ke naam. That is a letter from father to his daughter. क्या आपने पढ़ा है ये बुक? नहीं तो ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और यू कैन रीड इट फ्रॉम आवर स्कूल लाइब्रेरी. इट इज अवेलेबल इन आवर स्कूल लाइब्रेरी टू. सो विच दिस बुक हैव मोटिवेटेड मेनी पीपल. नेक्स्ट लाइन देखिए, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं. कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है. सो टिल देयर वी विल रीड एंड वी विल एक्सप्लेन द मेन पॉइंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. ठीक है, हाउ मेनी एसएमएस मैसेजेस वी कैन सेव एंड कीप विद अस. And you may forget it sometimes. But letters to aisa nahi hai. Like the great men's work of letters is their memory. And it is a darohar. Darohar means amanat. That is, we can use it whenever we need it. Darohar ka noun meaning bhi hai. Oh, is prakar hai heritage. Darohar se mila hua. Heritage. Bharat mein इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है. दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संगलन, संगलन मतलब कलेक्शन भी है. तो देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेट मेन वी कैन पुट फॉरवर्ड इन दिस कैटेगरी. ऑल हिज लेटर्स वर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड. We can find some of the great belongings of the great men. It is kept as a great collection in the museum. Sangrahalay mane museum. Bharat mein azadi ke pehle mahasangram ke dinon mein jo kuch angrez afsaron ne apne parivarjanon ko patr mein likhe, ve aage chalkar bahut mahatv ki pustak tak ban gayi. Now read. Also letter works as a milestone to understand and study the society of those times. And some of the British soldiers who wrote letters to their family members during the freedom fight movement held in our India. Later, these letters were formed into a book.
एंड ऑल्सो इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए थे. संग्राम मैंने मैंने मूवमेंट मजबूती स्ट्रॉन्ग. सो ऑल्सो दिस लेटर्स वेर द प्रूफ्स दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग आर फ्रीडम फाइटर्स वेर ड्यूरिंग दीज टाइम्स. तो ये दोनों पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें जो पॉइंट मिला है वो ये है कि पत्र एक धरोहर के रूप में काम करता है. तो दोनों पैराग्राफ को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के वहाँ मार्जिन में लिखिए पत्र एक धरोहर. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वीडियो 2. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.